हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आज आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हंसवानी एजुकेशनल एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास एट्थ का बुक सेकंड, जिसका नाम इट्स सो हैपेंड है, मैं चैप्टर सेकंड पढ़ाऊंगा, जिसका नाम चिल्ड्रन एट वर्क है। इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि इसमें दो लड़के बच्चे रहते हैं जिनका नाम जया और वेलू रहता है। किस तरह से वेलू जो कि घर से भागा रहता है वेलू जो कि घर से भागा रहता है और अपने पिता की मार पीट सहकर और यहाँ शहर में आता है, अनजान शहर में, उसे क्या करना पड़ता है, वो सोचता है करेगा कि नहीं करेगा। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है। आप लोग इस स्टोरी को पूरा से पूरा देखें और सुनें। हैं हाँ, आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर नए हैं तो तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो सबसे चलिए सबसे पहले हम लोग जो है बिफोर यू रीड से स्टार्ट करते हैं। देखिए इस लेसन का जो नाम है चिल्ड्रन एट वर्क, यानी बच्चे काम पर। चाइल्ड जो है सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है, तो इसलिए इसका है बच्चे काम पर। ओके, बिफोर यू रीड में है, देयर आर मेनी रीजंस व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। हैव टू का प्रयोग हम लोग जो है कंपल्सन के लिए करते हैं, मजबूरी के लिए। बहुत सारे ऐसे रीजंस रहते हैं जिसमें बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लेवलीहुड, कुछ बच्चे काम करते हैं अपने परिवार के जीविकोपार्जन के, लेवलीहुड माने जीविकोपार्जन, जीवन यापन के लिए। अदर्स और कुछ अन्य हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, जो है अप्रसन्न घर से चले आते हैं, यानी सैड घर से चले आते हैं, वो क्या रहता है, नीड अ सपोर्ट देमसेल्फ, उन्हें अपने आप में स्वयं में क्या करने होती है, ज़रूरत होती है सपोर्ट की। ओके, सहायता की। चिल्ड्रेन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल, वो बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है वो स्कूल नहीं जा सकते हैं। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रेन ऑफ देयर एज, और अपने हम उम्र के अन्य बच्चों की तरह खेल भी नहीं सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। वेलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम, वेलू जो कि एक 11 साल का लड़का है घर से भागता है। ही वांडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। वांडर्स माने भटकना, टहलना, वो क्या होता है, कई घंटों तक टहलता भटकता है ट्रेन पकड़ने के लिए, चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए, वो भी बिना टिकट के। टायर्ड एंड हंग्री, थका और भूखा। ही डजंट नो वेयर टू गो, वो नहीं जानता उसे कहाँ जाना है। ही डजंट नो वेयर टू गो, वो नहीं जानता है कहाँ उसे जाना है। व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम, तब तक जब स्टेशन पे पहुँच जाता वो नहीं जानता है और भूखा और थका हुआ रहता है, तब तक एक स्ट्रेंजर यानी अजनबी उसे आवाज़ देती है, शाउट माने चिल्लाती है वेलकम यानी स्वागत करके। अब चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, इट टूक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। गेट ऑफ माने उतरना। ओके, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन का नाम है। कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर रुकी तो वेलू को थोड़ा समय लगा उतरने में। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वो अंततः खड़ा हुआ प्लेटफॉर्म पर, हिज लेग्स फेल्ट वॉबली, तो उसके वॉबली माने हिलना डुलना, तो उसके पैर जो क्या थे हिल डुल रहे थे, कपकपी सा आ रहा था। एज इफ ही वाज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो अभी भी क्या हो है, चलते हुए ट्रेन में हो। मूविंग ट्रेन माने चलते हुए ट्रेन में। ओके, अभी आंसर आएगा लिखने के लिए। ओए, आउट ऑफ द वे, ऑफ पोर्टर वेंट बाई विद आ लोडेड ट्रॉली, पोर्टर माने यहाँ कुली है। ओके, ए रास्ते से हट जा, एक जो कुली था सामान को ट्राली में लोड करते हुए बोला, मतलब ले जा रहा था और बोला
वेलू रास्ते में खड़ा था। वेलू जंप्ड असाइड, वेलू जो है एक साइड में कूद गया यानी चला गया। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर बैठा। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, वो छोटा सा बंडल माने गट्ठर, वो छोटा सा गट्ठर ले जाता है जिसमें उसके कुछ सामान रहते हैं, है उसको नीचे रख देता है। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, उसने अपने पूरे 11 साल की उम्र में ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने इतने सारे पीपल नहीं देखे थे। एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, फेयर माने होता मेला, एक्सेप्ट माने सिवाय या छोड़कर, वंस माने एक बार, सिर्फ एक बार को छोड़कर जब उसके गाँव में एक बार मेला लगा था, यानी एक बार मेले में जो है उसने इतने सारे लोगों को देखा था, तो आज तक अपने 11 साल की उम्र में उसने इतने सारे लोगों को नहीं देखा था। ओके, पीपल वॉक्ड बाई बंपिंग इनटू हिम विथ देयर सूटकेसेस, सूटकेसेस हम लोग जिसको अटैची भी कहते हैं। पीपल वॉक्ड बाई, लोग आते जाते थे, बंप माने टकराना, लोग उससे लड़ भी जाते थे अपने सूटकेसेस के साथ। आ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, एक आवाज़ ने कुछ घोषणा किया, अनाउंस माने घोषणा करना, समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, कुछ लाउड स्पीकर यानी माइक पर। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज, और उसके नियर माने बगल में, पास में, उसके पास में कुछ लोग जो है बैठ भी गए अपने लगेज के साथ, सामान के साथ। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, आप लोग देखते हैं कि क्या होता है, स्टेशन पे टीवी भी लटका हुआ रहता है, कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, टीवी देखते हुए जो कि प्लेटफॉर्म के छत पर लटका हुआ था यानी टांगा हुआ था। द नॉइज वाज टेरिबल, आवाज़ बहुत भयानक था, भयानक था का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ से है, ओके, शोरगुल से है। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू ने अपने जो है हेड को अपने घुटनों पर रखा, नी माने घुटना। फीलिंग मिजरेबल, परेशान महसूस कर रहा था, मिजरेबल माने परेशानी, दिक्कत। एंड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड माने थका हुआ और थका हुआ लग रहा था। वेलू जो है अपने सर को अपने घुटनों पर रखता है, वो थका हुआ और परेशान था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज टू डेज एगो, वो अपने गांव से दो दिन पहले ही भागा था, एगो माने पहले। फॉर टू डेज ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जैगरी, और दो दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ क्या खाया था, पीनट्स यानी मूंगफली एंड पीस ऑफ जैगरी, और कुछ गुड़ खाया था, यानी जैगरी माने होता गुड़, भेली हम जिसे कहते हैं, पीस माने टुकड़ा, और भेली के यानी गुड़ के कुछ टुकड़े खाए थे। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, उसने अपने बंडल में एक शर्ट लिया हुआ था। अ टॉवल, एक तौलिया लिया हुआ था। एंड अ कॉम, एक कंघा लिया हुआ था, कॉम माने कंघा। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कैनूर एंड देन गट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, उसने पहले दिन, दो दिन पहले चूंकि अब बताया गया है ना वो भागा था, तो पहले दिन वो क्या था, वो तो ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द डे, वो पूरे दिन चलता रहा पहले दिन है टू कैनूर, कैनूर के लिए जहाँ से भागा था वो कैनूर के लिए चलता रहा। क्यों चलता रहा कैनूर जाने के लिए, क्योंकि वहीं से उसे ट्रेन मिलता, ओके, चेन्नई के लिए, तो कैनूर के लिए चलता रहा, कैनूर गया चलते हुए और ट्रेन पाया। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट, अभी आंसर आएगा लिखने के लिए, इसलिए आप लोग सही से पढ़िएगा ध्यान देकर। वेलू के पास पैसा नहीं था टिकट खरीदने के लिए, लेकिन भाग्यवश जो टिकट कलेक्टर यानी टीटी हम जिसे लोग कहते हैं, टीसी हैं, वो क्या था, अनरिजर्व यानी साधारण, जिसे हम लोग जो है जनरल डिब्बा कहते हैं, कंपार्टमेंट माने डिब्बा, रेलगाड़ी के डिब्बे को कंपार्टमेंट कहा जाता है, लेकिन भाग्यवश क्या था, जो टीटी था वो जो है डिब्बे में नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, डोर माने दरवाज़ा, फ्लोर माने फर्श, और उसने सोने का भी प्रयास किया था जो बगल में दरवाज़ा था रेलगाड़ी का। अ ग्रुप ऑफ मेन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स, प्ले कार्ड माने ताश खेलना, एंड शाउटेड ऑल नाइट, और शाउट माने चिल्लाना, ऑल नाइट माने पूरी रात। लेकिन कुछ लोगों का समूह क्या था, कुछ लोग क्या थे, हैं ताश खेल रहे थे उसके बगल में और पूरी रात चिल्लाते रहे, इसलिए बेचारे को नींद भी नहीं आया था, इसलिए नींद भी आ रहा था, रात भर सो नहीं पाया था, इसलिए जो है जब पहुँचा वहाँ तो नींद भी आ रहा था। अब देखिए आगे क्या होता है, अरे व्हाट न्यू टू टाउन, ये सब एक्सक्लेमेशन वर्ड है दोस्तों। कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस,
रफ वॉइस माने खराब आवाज, रफ माने खुरदुरा, खराब होता है, वॉइस माने आवाज। ऐ ऐ शहर में नया है क्या? वेलू ओपेंड ही जाए, तब तक वेलू अपनी आँखों को बंद किए हुए था। नहीं, वेलू अपनी आँखों को खोला। वेलू ओपेंड ही जाइज, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबॉडी वाज लुकिंग एट हिम। उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग जो है खड़े हुए थे, घेरे हुए थे कि का मतलब ये नहीं कि उसे देख रहे थे, कहने का मतलब स्टेशन था तो बहुत से लोग रहेंगे, तो चारों तरफ लोग थे लेकिन कोई उसके तरफ नहीं देख रहा था। लुकिंग एट हिम, है ए सॉरी हेयर ए यहाँ, जिसने उसे बुलाया था उसने ये बोला, हे यहाँ। ही टर्न्ड अराउंड, मुड़कर देखा। बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल, बिहाइंड माने पीछे, उसके पीछे एक लड़की थी। अराउंड हिज ओन एज, जो उसके ही हम उम्र की थी। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान, जो कि एक बहुत बड़ा बनियान पहने हुए थी। बनियान माने बंडी, बनियान मीन्स क्या होता है? बंडी होता है। ओके wearing a long banyan, that came down to her knees, और वो बनियान जो पहने हुए थी वो लड़की है वो उसके घुटनों तक आ रहा था, यानी कहने का मतलब क्या था, बहुत बड़ा था बनियान। ओके नीज, ओके हर हेयर वाज स्टिप, उसके बाल सख्त थे, कठोर थे, यानी कि कहने का मतलब टाइट था। एंड ब्राउनिश, और ब्राउन यानी भूरा था। एंड सी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पर, शोल्डर माने कंधे पर, ह्यूज माने बड़ा, सैक माने बोरा, और उसके एक कंधे पर एक बहुत बड़ा सा बोरा था। आप लोग ऐसे देख सकते हैं, उसी तरह से लड़की थी जैसा पिक्चर में दिखाया गया। ये बेलू है और ये लड़की है। ओके समझ में आया? शोल्डर, सी वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू हर सेक। वो लड़की क्या था, पिकिंग अप माने उठाना, वो लड़की कचरा उठाने वाली थी, कूड़ा उठाने वाली थी। डर्टी प्लास्टिक यानी गंदे प्लास्टिक को, कागजों को, यानी रद्दी को उठाने वाली थी, जो उसे उठाकर फ्लोर बोर्ड्स माने स्टेशन से या और भी चीज़ों से जहाँ से भी मिलता था, हाँ वो जो है गंदे सामानों को उठाकर अपने बोरे में क्या कर लेती थी, भर लेती थी। स्टफिंग माने ठूस लेना, डाल लेना। ओके अपने बोरे में भर लेती थी। आप लोग देखते होंगे कि सिटीज में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, पॉलीथीन्स और होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, या सीसी होता है, इन सब चीज़ों को क्या होते हैं, भर लेते हैं। तो वही उसी तरह के का काम जो है ये लड़की करती थी। इनटू हर से, व्हाई इज सी कॉलिंग मी, थॉट वेलू। तब तक वेलू सोचा ये मुझे क्यों बुला रही है। एंड व्हाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और एक ये लड़की होकर ये बनियान पहनी हुई है, ऐसा वेलू जो है सोच रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गांव में लोग रहते हैं, गांव में जनरली गांव में क्या था, वो जनरली क्या था, किसी लड़की को बनियान पहने हुए देखा नहीं था। गांव में वो किसी लड़की को बनियान पहने हुए देखा नहीं था, इसलिए उसके मन में प्रश्न आ रहा है कि ये मुझको क्यों बुला रही है, भाई अनजान है, जानती नहीं है, ये बनियान भी पहनी हुई है, क्या बात है। No need to stay stupidly. What's your name? तब तक वो लड़की क्या कहती है, स्टेर माने घूरना, ताकना, स्टेपिडली माने मूर्खतावास। ओके ओके मूर्खों की तरह घूरो मत। अब नाम क्या है तेरा? वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। मटर माने बुदबुदाना, फुसफुसाना या धीरे से बोलना। लुकिंग अवे माने दूसरी तरफ देखते हुए। वेलू जो है दूसरी तरफ देखते हुए क्या कहा, वेलू यानी उसने अपना नाम बताया। सो मिस्टर वेलू सर दगर, लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। ओ इसलिए, ओ मिस्टर वेलू घर से भाग कर आए हो। कौन कहा? उस लड़की ने कहा।
वेलू डिंट आंसर, वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया। ही डिंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन, वो किसी अजनबी लड़की से कुछ ऐसा चीजें नहीं बताना चाहता था जो उसने किया था। ओके, स्ट्रेंज माने अजनबी। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। स्टैंड माने खड़े होना, लेकिन यहाँ खड़े होने का मतलब क्या था, सहने से है। वो अपने घर, ही हैड रन अवे बिकॉज, वो अपने घर से इसलिए भाग कर आया था क्योंकि वो अपने पिताजी की मार को एक दिन भी और नहीं सह सकता था। कहने का मतलब इससे ये पता चल रहा है उसके पिताजी उसको बहुत पीटा करते थे और वो अपने पिताजी की मार नहीं सह पाया था, इसलिए वो घर से भाग आया था। वन मोर डे हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी, उसके पिताजी उससे जो है सारे पैसे छीन लिया करते थे। स्नैच माने छीनना होता है। वेलू एंड हिज सिस्टर्स, वेलू से भी छीन लिया करता था और वेलू के बहन से भी छीन लिया करता था। अर्न एंड स्पेंड इन टू ड्रिंक, जो है जो वो लोग कमाए रहते थे और किस पे खर्च करता था उसका पिता, ड्रिंक पर यानी दारू पर खर्च किया करता था। स्पेंड माने खर्च करना। कहने का मतलब क्या है, वेलू और वेलू की जो बहन थी मेहनत करके पैसा कमाते थे और शाम को क्या होता था, वेलू के पिताजी उन लोगों को पीटते थे, मारते थे और उनका पैसा छीन लिया करते थे और पी जाते थे दारू शराब। डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रेन लाइक यू, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं जानती, ये तुम जैसे लोगों से बहुत भरा पड़ा हुआ है ये जगह। किसने कहा, उस लड़की ने। सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हेयर, बिकम रिच। अच्छा तो अब ये बताओ, तुम यहाँ धनवान होने के लिए आए हो तो अब बताओ धनवान होने के लिए क्या क्या करोगे तुम यहाँ। रिच माने धनवान, अमीर। गोइंग टू डू माने करने जा रहे हो। ओके, हेयर माने यहाँ। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके बगल में तब तक आकर बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, अवे माने दूर, शिफ्ट माने शिफ्ट हो जाना, हट जाना, स्लाइटली माने धीरे से, तब तक जैसे वो वेलू के बगल में जो सीट था वहाँ पर आकर बैठ गए। वेलू हट गया वहाँ से, थोड़ा किनारे हो गया दूर। ए फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमेस। ग्रिमेस माने होता मुँह बनाना, बिचकाना। स्टमक माने पेट, प्रेस्ड माने दबाना, पिंच माने चिंगोटी काटना। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग, उसे भूख लगा हुआ था, उसका पेट दर्द हो रहा था। पिंच यानी कहने का मतलब उसे ऐसा लगा कि उसके भूख को, ही फेल्ट हंगर पिंचिंग, कि जो भूख था उसके पेट को क्या कर रहा था, पिंच कर रहा था, दबा रहा था, यानी चिंगोटी काट रहा था। प्रेड ही स्टमक, अपने पेट को दबाया भी था ग्रिमेस मुँह बनाते हुए, यानी उसको भूख लगा था। जैसे आप लोग देखते छोटे छोटे बच्चे पेट पकड़ कर जो है मुँह बनाते, उसी तरह से वो मुँह बनाया। हंग्री आर दगर, ओ भूखे हो, लड़की ने कहा। यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसेज। ग्लमली माने सैडली यानी उदास होकर, मेकिंग फेसेज माने मुंह बनाकर। तब तक लड़की ने कहा, तुम यहाँ मुंह बना के सोचो खाना पा जाओगे, तो ऐसा नहीं है, तुम्हें मुंह बनाने से खाना थोड़ा मिल जाएगा उदास होने से। ओके, मेकिंग फेसेज। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ मदद कर सकती हूँ, कुछ खाना ढूंढ सकती हूँ यदि तुम चाहो तो। सी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपने बोरे को उठाया। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और चलने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू अभी भी रुका हुआ था बेंच पर, यानी बैठा हुआ था। स्टे माने रुकना, ठहरना। व्हाट शुड ही डू, अब वो सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की का पीछा करना चाहिए, यानी कि उस लड़के के साथ जाना चाहिए। वेयर वाज सी गोइंग टू टेक हिम, और वो कहाँ उसे लेकर जा रही थी, यानी कहाँ उसे लेकर जाएगी। सी वाज डिसअपीयरिंग इन टू अ क्राउड, क्राउड माने भीड़, डिसअपीयरिंग माने गायब हो जाना, वो एक भीड़ में गायब हो गायब हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसे जल्दी ही निर्णय करना था। मेकअप माइंड माने निर्णय करना, यानी जल्दी से सोच लेना। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, ठीक है, उसने निश्चय किया। एनीवे माने वैसे। आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मेरे पास वैसे कोई आइडिया नहीं कि मुझे कहाँ जाना था, हाँ वो सोच रहा है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, और इसलिए वो जल्दी से खड़ा हुआ, उठा और क्या हुआ, उसके पीछे दौड़ने लगा, उसके पीछे
चलने लगा। सी वजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज, लेकिन वो लड़की जो थी अभी देख नहीं रही थी कि वो लड़का कहाँ था, यानी वो कहाँ पहुँचा था, यानी वो लड़की तो जाने लगे लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी। इस तरह से दोस्तों ये जो पार्ट फर्स्ट है समझ समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को अच्छे से ये लेसन समझ में आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।